अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी चिकन चीज़ रोल्स की रेसिपी, जो कि देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और क्रंच है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने हाफ के जी चिकन ले लिया है, जो कि पूरी बोनलेस है, और इसके साथ हमें ऐड करना है थोड़ा सा हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च मतलब चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भरकर सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून नमक। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लिया, और इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। देखिए इस तरह से बिल्कुल स्मूथ ग्राइंड करना है। इसे आप मिक्सर ग्राइंडर में भी बारीक कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है 3 से 4 स्लाइसेस ब्रेड के, जिसे मैंने इस तरह से क्रम कर लिया है, और अच्छे तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे इस मिक्सचर में, और इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने 2 अंडे फेंट लिए हैं, और 1 प्लेट में मैंने ले लिया है मैदा, और 1 में ले लिया है ब्रेड क्रम। तो बस हाथ को हम इस तरह से तेल लगाएंगे, या फिर पानी भी लगा सकते हैं, और ये थोड़ा सा अमाउंट ये जो मिक्सचर का है वो हम ले लेंगे। 1 लेमन साइज़ का अमाउंट मैंने लिया है, बड़े लेमन साइज़ का। आप जो रोल की साइजेस है आपके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, छोटी बड़ी जो भी आपको जैसे चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको हाथ पर फ्लैटन कर लिया है, और अब मैं बीच में स्टफ़ कर रही हूँ चीज़। ये मिक्स ब्लेंड चीज़ है, जिसमें मोज़रेला और चेडार मिक्स होता है। आप चाहो तो सिर्फ मोज़रेला चीज़ या फिर सिर्फ जो है चेडार चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बस इस तरह से हमें हाथों के बीच इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसे एक रोल का शेप दे देना है इस तरह से, और ये याद रखिएगा कि हर तरफ से ये अच्छे तरह से पैक हो गया है, ताकि चीज़ जो है वो बाहर ना आए। ये देखिए ये रेडी है। अब हमें इसे मैदे में डस्ट कर लेना है अच्छी तरह से, और इसके बाद हम करेंगे इस पर अंडे की कोटिंग। तो इसे हम अच्छी तरह से अंडे में भी डिप कर लेंगे, और इसके बाद जाएगा ये ब्रेड क्रम में। तो ब्रेड क्रम को भी हम इसे अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से रोल कर लेंगे, और ये रोल जो है वो बनकर रेडी है। अब मैं आपको एक दूसरा भी बता देती हूँ। तो ये देखिए 1 लेमन साइज़ मैंने ले लिया मिक्सचर, अच्छे तरह से फ्लैटन करने के बाद इसमें मैं स्टफ़ करूँगी स्लाइस चीज़। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कैसे करना है। तो ये देखिए हाफ स्लाइस जो है उसको मैंने इस तरह से रख लिया है, और इसे हम इस तरह से जो है रोल करेंगे, और अच्छे तरह से इसे चारों तरफ से पैक कर लेंगे। और देखिए इसे हम डस्ट करेंगे मैदे में, फिर रोल करेंगे अंडे में, और अब इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे हम ब्रेड क्रम्स की। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए रोल बन गई है। इसे मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, और उसके बाद निकाल कर हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप इसे फ्रोज़न भी करके रख सकते हैं 15-20 डेज़ के लिए। तो ये देखिए मीडियम ऑयल जो है ये गरम है, उसमें ही हम डालेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पूरे अच्छे तरीके से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा जो चीज़ बाहर आया हुआ दिख रहा है आपको, मतलब ये जो है वो अच्छे तरह से कुक हो चुकी है। तो बस देखिए क्रिस्पी क्रंची रोल्स बनकर रेडी है। इस रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। टिल देन टेक केयर, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच मोर रेसिपीज़। और इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।